इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान की शरण में आई गए पार, जो आया पार, जो आया पार, आ गया उसका पार, आएगा उसका पार, आने वाले होंगे उसका भी पार। कैसे भी स्मरण करे तो पार हो। अरे राम, जय जय, दर्शन करिए। गोस्वामी जी का निर्णय है, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसार। शबरी माँ को गति देकर प्रभु आगे बढ़े। पुसुंडी बाबा कहते हैं, प्रभु नारद संवाद कही मारुत मिलन प्रसंग, पुन सुग्रीव मिता बालि प्राण। नारद जी पंपासर में मिले, राम नाम सब नामों में शिरोमणि हो भर पाए, अपने बारे में प्रश्न किए, भगवान ने समाधान किया है। हनुमान जी महाराज माध्यम बने, किष्किंधा के प्रारंभ में सुग्रीव जी से भगवान की मैत्री हुई, बालिका महाप्राण भया, सुग्रीव जी को तिलक, कपिहि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रभर सन वर्णन बरसा राम रोष। भगवान चातुर्मास व्यतीत किए ऋषिमुख पर, और फिर लक्ष्मण जी को आवेश देकर भेजे, सुग्रीव जी आए। बाबा कहते हैं, जेहि विधि कपि पति के सब पठाए, जेहि विधि कपि पति के सब पठाए, सागर निग्रह कथा सुनाई। परमात्मा श्री राम ने सुग्रीव जी को कहा, मेरा कार्य संपन्न करिए। सुग्रीव जी सुनकर कपियों को संदेश किए, कपि लोग दशों दिशाओं में गए,
गवगवाक्ष द्विविध भजन नल नील केहरी जी हनुमान जी अंगद जी जामवंत जी सठ ये 10 युद्धपति दक्षिण की ओर भगवान की यात्रा में आप प्रारंभ कर लेंगे यात्रा तो भगवान अपने आप प्रकाश और मार्गदर्शक भेजते रहते हैं। स्वयं प्रभा माँ मिली उन्होंने प्रकाशित किया, संपाती जी मिले उन्होंने माँ कैसे मिलेंगी बताया, और श्री हनुमान जी महाराज को जामंत बाबा ने जगाया है। जामन जी की प्रेरणा पर श्री हनुमान जी महाराज माँ के अन्वेषण में चल पड़े। इस किष्किंधा के 28वें दोहे से सुंदरकांड का प्रारंभ है। देखिए भगवान के कार्य को वही संपादित कर सकता है जिसके जीवन में मन में हृदय में संदेह न हो। सुनि सब कथा समीर कुमारा नागत भयव पयोधि अपारा। हनुमान जी महाराज को जामंत बाबा ने जगा दिया, क्या कहा, राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयव पर्वताकारा। हनुमान जी अट्टहास करने लगे, सिंहनाद करी बार ही बारा नागम जल ने दिखारा सहाय रावण ही मारी मानव यहाँ त्रिकोट उपारी जाम मंत्र में पूछो तो ही सिखावन दी जहु मोही इतना कर उत्पात तुम जाए जी नहीं ना कहो तो कलांग संग कपि सेना कपि सेन संग संहार लंका समेत रावण को मार उठा लाऊं, सब कर दूं, लीला लीला में समुद्र डाल जाऊं, सहित सहाय राम नहीं मारी आनंद यहां तीनों को उखाड़ लाऊंगा। जामन जी बोले ऐसा कुछ नहीं करना है, तो इतना करना है क्या, सीते ही देखी कहो सुधी आई, इतना प्रोटोकॉल है। फिर हनुमान जी ने लंका में तो बहुत कुछ कर दिया, श्री हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, रावण ने श्री हनुमान जी से स्वयं सब करवा डाला। ध्यान रखिएगा, तीन चार प्रश्न हैं सुंदरकांड में, इसको ठीक से विचारना चाहिए। डॉक्टर साहब हनुमान जी वहां दिया सलाई लेके गए थे क्या, आगे पेड़ बुखारने गए थे, श्री हनुमान जी को तो माता जी का दर्शन हो गया। अरे हाथ ना तो करो यार, हाँ लेका बोले रहो, हनुमान जी को माता जी का दर्शन हो गया। अब हनुमान जी को जब दर्शन हो गया, देखो बच्चे जब खेल कूद कर लेते हैं तो उनको भूख लगती ही है। अब हनुमान जी को बढ़िया बढ़िया फल दिखे, बानर की जाती भूख लग गई तो माता जी से कहे कि माता आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ खा लूं। माता जी बोली नहीं खाना नहीं डाला, ये जब रखवाले बहुत मारेंगे। हनुमान जी बोले तीन कर भय माता मोही नाहीं, आप प्रसन्न हो तो सब कुशल है। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहे उजान की जाहु रघुपत चरण हृदय धरी तात मधुर पल। हनुमान जी पहुंचे और चले ना श्री पैठे बागा फल खाए से तर तोरे लागा। हनुमान जी वृक्ष क्यों तोड़ते हैं, कहे तोड़ते हैं, देखो स्वभाव बनाइए। हनुमान जी उन्हीं वृक्षों की डाल को तोड़ते थे जो माता जी के दर्शन में बाधा उत्पन्न करते थे। जैसे मैंने अभी कहा ना माँ को दिखाई पड़ाओ, वो तभी तक बैठी हैं जब तक हम उनको दिख रहे हैं।
तो चली जाएंगी वो, हाँ घर चली जाएंगी। टिकट करा के तो मैं जा नहीं रहा हूँ, केवल उनकी ममता बस। तो अब जो माता जी, देखो भाई आप समझ लो, यही माता लोग बुरा ना मानना, घर में झगड़ो ना करना। महतारी की हाथ की रोटी में भूख बढ़ती चली जाती है, अरे लइकनों की महतारी में बढ़ती है, बवाल में न डाली हमको, लेकिन माँ के हाथ की रोटी में भैया भूख बढ़ जाती है। माँ दर्शन कर कर के करा करा के बच्चों को खिलाती है, तो क्या बात है। हनुमान जी कहते हैं माता जी परोसिए, खियावत खियावत माता जी छक गई, तब तुलसी दल से हनुमान जी कहे तृप्त तो हो गया। माई का दर्शन करके हनुमान जी खा रहे हैं फल, लेकिन जवन जवन वृक्ष की डाल माँ के दर्शन में बाधा उत्पन्न करती है, हनुमान जी तोड़ देते हैं। और रखवाले जब मारने आते हैं हनुमान जी, एक कछु मारिस कछु मर्दसी, कछु मिले सी धरी दोरी, कछु को छोड़े पुन जाई पुकारे प्रभु मरकट बल। अक्षय आया अक्षय का छय, मेघनाथ आया एक ही वृक्ष उखाड़ के हनुमान जी ने जय श्री राम कर दिया। बिरत की नीलंकेश कुमारा, फिर ब्रह्मास्त्र एक घूसा के बाद ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र ते सादा कभी मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सरमानऊ महिमा मिटई अपार अपार। अरे देखिए हनुमान जी को क्या करेगा हो, ब्रह्मास्त्र जैसे चलाया ते ही देखा कप मूर्छित भयउ, ते ही माने ब्रह्मास्त्र। वैसे आप सब जानते हैं संकट मोचन आप पढ़ते होंगे, क्या नाम है हो, संकट मोचनाष्टकम, हनुमान है ना, हनुमानाष्टकम, हनुमानाष्टकम आठ गो है छंद। बाल समय रवि भक्ष लियो तो देवनयान करी बिनती, तो छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, सभी देवता ने कहा हमारे हथियार का आयुध का हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो छोड़ दिए सूर्य भगवान को, जाओ जय जय। और ब्रह्मास्त्र क्या करेगा, तो हनुमान जी देखे मूर्छित हो गए, ये सिद्धांत समझिएगा। धर्म के प्रतिकूल कदापि नहीं चलना चाहिए, अधर्म पे गति कदापि नहीं करना चाहिए, सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो सत्य और धर्म के पथ पर चलता है, आज भले हारा हुआ दिखता है, कल वही जीतेगा, ये सिद्धांत है। हनुमान जी महाराज हाँ जीतेगा, सत्य वाला जीतेगा। कहते नहीं ये भैया देखो सांच को वांच नहीं होता है, और झूठ झपट वाले अपने में हेराई जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहां गया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।